नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, हमारी संवाददाता श्रीमा भट्टाचार्य की रिपोर्ट। जब पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट में फंस चुका है, तब हमारा भारत भी इससे बाकात नहीं रह पाया है। आर्थिक संकटों में दिन प्रतिदिन ये संकट बढ़ता जा रहा है। लघु उद्योग के साथ पूरा देश आर्थिक तकलीफों में जूझ रहा है और आने वाले दिनों में बहुत बुरी तरह से आर्थिक संकटों का देश को सामना करना पड़ सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने संकलन करके, राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री श्री से जो निवेदन किए उसके मुताबिक कल प्रधानमंत्री श्री ने 20 लाख करोड़ की बड़ी घोषणा की। ये घोषणा आर्थिक संकटों को पहुंचने के लिए थी और ये घोषणा खास करके आर्थिक संकट और इससे होने वाले फायदे और सभी लोगों को आर्थिक संकटों में स्वनिर्भर करने के लिए, पगभर करने के लिए और देश को सशक्त बनाने की एक विचारधारा थी। 20 लाख करोड़ का ये ब्लूप्रिंट हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम से ये घोषित करवाई गई। कल निर्मला सीताराम ने पूरी ब्लूप्रिंट सभी के समक्ष प्रस्तुत की है, इसके अंश देखिए। MSME को ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। 200 करोड़ तक के टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं, 15,000 से कम सैलरी वालों को EPF सरकार देगी। 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन, 45 लाख MSME यूनिट को लाभ। 3 महीने के EPF के लिए सरकार देगी 2500 करोड़। 72 लाख कर्मचारियों के EPF में राहत। बिजली कंपनियों के लिए 90,000 करोड़। NBFC के लिए 30,000 करोड़ की स्कीम। सरकारी ठेकेदारों को 6 महीने का एक्सटेंशन। TDS TCS दरों में 25% की कटौती। इनकम टैक्स भरने की तारीख 30 नवंबर तक। सेवा और निर्माण क्षेत्र अब एक माने जाएंगे। TDS TCS कटौती 50,000 करोड़ का फायदा। टैक्स ऑडिट की तारीख अब 31 अक्टूबर तक होगी। ये सभी अंश आपके समक्ष प्रस्तुत है और ये वीडियो के माध्यम से आप विशेष जानकारी प्राप्त की। विशेष तौर पर MSME सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पर छूट रहेगी और 4 वर्ष के लिए उनको ऋण दिया जाएगा। तो 3 लाख करोड़ रुपए का ये ऋण, ये हमने बगैर किसी गारंटी, बगैर किसी कोलेट्रल के भारत के मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर और गृह उद्योग के लिए मोदी सरकार ने करके दिया है। इस तरह से एक बार फिर कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए ये जो चुनौतियां COVID-19 के समय शुरू हुई कि घरों तक सीमित होना पड़ा और आप कहीं जाकर सामान बेचने में दुविधा आती थी, तो ई मार्केट लिंकेज करने की बात की, क्योंकि ई कॉमर्स का आजकल ज़माना भी आया है, वो भी होगा। और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इन्वॉल्व हो सके, उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम है उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट्स हैं, सरकारी है या PSU में है, उनको भी अगले 45 दिनों में बल देकर वापस उनकी पेमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट हो, ताकि उनको राहत मिल सके। 1,70,000 करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि EPF जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12%
जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी, 12-12% भारत सरकार देगी। और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जब कर्मचारी का 12% हिस्सा भी और नियोक्ता जो नौकरी देने वाला है उसका 12% हिस्सा भी भारत सरकार देगी, और ये कुल मिलाकर 2500 करोड़ के लगभग का लाभ इनको मिलेगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, NBFC या फिर हमारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इन सब के लिए जो इनके पास लिक्विडिटी की कमी आती थी, धन का अभाव होता था, उसके लिए ये नई योजना लेकर आए हैं, जिसमें 30,000 करोड़ रुपये का विशेष तौर पर प्रावधान किया जाएगा। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ये होगी, जिससे इनके धन की आपूर्ति भी होगी, और इसके माध्यम से जहां एक और हाउसिंग सेक्टर को बल मिलेगा, MSME सेक्टर को बल मिलेगा, उसका भी लाभ हमारी अर्थव्यवस्था में और नीचे आम आदमी को पहुंचेगा। बिजली वितरण कंपनियों के आय में जो कमी, भारी कमी आई है, और लेनदारी जो इनकी कई राज्यों से बढ़ी है, उसके कारण भी ये अभूतपूर्व नकदी प्रवाह की स्थिति इनको देखनी पड़ रही है। इन परिस्थितियों में आम उपभोक्ता को भी नुकसान ना हो, बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में कहीं उलझकर ना रह जाएं, इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है।